सामाजिक जागरूकता के मामले में इंदौर नई बुलंदियों को छू रहा है। 3 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब अपने नाम करने के बाद चिकित्सा इमरजेंसी के क्षेत्र में शहर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सोमवार सुबह इंदौर में 2 बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिसके साथ ही शहर में यह रिकॉर्ड 44वीं बार था जब इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी के जागरूकता दिखाई गई। पहला ग्रीन कॉरिडोर शैल्बी अस्पताल से चोईथराम अस्पताल के लिए बना। इस दौरान मात्र 9 मिनट में लीवर पहले अस्पताल से दूसरे अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें, खरगोन जिले के ग्राम दसोड़ा निवासी मायाराम बिरला की ब्रेन डेड के बाद उनके परिजनों ने सोमवार सुबह मायाराम का लीवर और दोनों किडनियां दूसरे मरीजों से प्रत्यारोपित करने के लिए दान कर दिया। अंग दान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके परिजन शव लेकर रवाना हुए और इधर अंग दान में प्राप्त अंगों को अन्य मरीजों में प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। दूसरा ग्रीन कॉरिडोर शैल्बी अस्पताल से CHL अस्पताल के लिए बना, जहां महज 3 मिनट में किडनी पहुंचाई गई, जबकि 1 किडनी शैल्बी अस्पताल में भर्ती मरीज को ही प्रत्यारोपित की गई। मरीज की ब्रेन डेड के बाद मुस्कान ग्रुप के स्वयं सेवकों ने उनके स्वजन से चर्चा कर उन्हें मरीज के अंगदान के लिए प्रेरित किया, जिसे परिजनों ने स्वीकार भी कर लिया।